6 महीनों में हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन ऐन चुनाव से पहले हरियाणा कांग्रेस में एक बार फिर से गुटबाजी देखने को मिल रही है। एक और दीपेंद्र हुड्डा हरियाणा सरकार से हिसाब मांगने के लिए पदयात्रा निकाल रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर सिरसा से सांसद कुमारी सैलजा भी इस महीने के आखिर में पदयात्रा करने वाली हैं। हैरानी की बात तो ये है कि जहां कुमारी सैलजा ने 7 जुलाई को पदयात्रा का ऐलान किया था, तो वहीं हुड्डा की यात्रा का ऐलान 11 जुलाई को प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने किया है। और साफ भी है कि दीपेंद्र हुड्डा की पदयात्रा को बहुत हाईलाइट भी किया जा रहा है। इससे अब सवाल उठने लगे हैं कि हरियाणा कांग्रेस में एक बार फिर 2 पावर सेंटर बन गए हैं। क्या दीपेंद्र हुड्डा और कुमारी सैलजा दोनों ही हरियाणा में मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदारी कर रहे हैं? क्या कांग्रेस आलाकमान विधानसभा चुनाव में दोनों नेताओं के बीच बैलेंस बना पाएगा, या फिर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने जानबूझकर दोनों को खुला मैदान दिया है? सवाल कई हैं। इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे, लेकिन पहले बात करेंगे कुमारी सैलजा के उस बयान की जिसने हरियाणा कांग्रेस की गुटबाजी की पुष्टि कर दी है। दरअसल कुमारी सैलजा ने एक अखबार को दिए इंटरव्यू में कहा है कि अगर चीजें इसी तरह चलती रही जैसे चल रही हैं, तो बदलाव जरूरी है। ये अब पूरी तरह से एक तरफा है जिससे विधानसभा चुनावों में अपेक्षित परिणाम नहीं मिलेंगे। दीपेंद्र हुड्डा की पदयात्रा के बारे में पूछे जाने पर कुमारी सैलजा का कहना था कि मुझे नहीं पता कि वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी कर रही है या कौन कर रहा है, मैं वहां नहीं थी, मुझे नहीं पता वे क्या कर रहे हैं। यहां पर कुमारी सैलजा का वे से मतलब हुड्डा गुट से था। कुमारी सैलजा के बयान से साफ है कि हुड्डा की यात्रा को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष से भी नाराज है, और इशारों में वो आलाकमान से प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन की भी बात कर चुकी हैं। कांग्रेस आलाकमान दोनों नेताओं के बीच विवाद को कैसे सुलझाता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन दीपेंद्र हुड्डा और कुमारी सैलजा दोनों ही हरियाणा कांग्रेस के बड़े नेता हैं। इनमें से किसी एक को सीएम का दावेदार बनाकर क्या पार्टी दूसरे नेता की नाराजगी का जोखिम उठाएगी, या कांग्रेस हुड्डा और सैलजा की पदयात्राओं के फीडबैक का इंतजार कर रही है जिससे उसे सीएम पद के लिए उपयुक्त उम्मीदवार को चुनने में आसानी हो। हरियाणा की कांग्रेस में गुटबाजी का ये मंजर पहली बार देखने को नहीं मिला। पहले भी हुड्डा वर्सेस एसआरके गुट होता रहा है, जिसमें से किरण चौधरी अब बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं। किरण चौधरी भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ज्यादा तवज्जो देने और कांग्रेस आलाकमान के नेतृत्व को चेंज ना करने को लेकर काफी नाखुश दिखाई दी थी, और इसके साथ साथ श्रुति चौधरी को भी टिकट ना मिलना एक बड़ी वजह रहा था। किरण चौधरी भी नाराज होकर बीजेपी में शामिल हुई हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर हुड्डा को ज्यादा तवज्जो दी जाती है, तो क्या आने वाले समय में रणदीप सुरजेवाला और कुमारी सैलजा भी बीजेपी का रुख करेंगे, या आलाकमान इससे पहले कोई बड़ा फैसला लेगा? हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में हरियाणा ने अच्छा प्रदर्शन किया है। हरियाणा की 10 में से 5 सीट पर पार्टी ने जीत दर्ज की है, और राज्य से चुने गए कांग्रेस सांसदों में से सबसे बड़ी जीत दीपेंद्र हुड्डा के ही खाते में आई थी। हुड्डा युवा चेहरा तो है ही, साथ ही जाटलैंड में उनके परिवार का खासा प्रभाव है। आपको बताएं कि हरियाणा की 22% जाट वोटर है, और करीब 32 सीटों पर हार जीत का फैसला जाट वोटर्स के हाथ होता है। ऐसा ही माना जा सकता है कि हुड्डा के चेहरे पर चुनाव लड़ने से कांग्रेस को फायदा हो सकता है। लेकिन पार्टी में इस वक्त हुड्डा गुट के खिलाफ कई बड़े नेता हैं। कुमारी सैलजा और सुरजेवाला विरोधी गुट के ही नेताओं में से एक हैं। अगर पार्टी दीपेंद्र हुड्डा को चेहरा बनाती है, तो पार्टी में अंदरूनी कलह तय है। हरियाणा में हुड्डा की तरह कुमारी सैलजा भी खुद को सीएम कैंडिडेट प्रोजेक्ट करने की कोशिश में लगी हैं। बताया जाता है कि वो लोकसभा चुनाव ना लड़कर विधानसभा चुनाव पर ही फोकस करना चाहती थी, लेकिन आलाकमान ने उन्हें चुनावी मैदान में उतार दिया। सैलजा हरियाणा में पार्टी का दलित चेहरा है। राज्य के करीब 10% वोटर 9 विधानसभा सीटों पर सीधा सीधा असर डालते हैं, साथ ही वो महिला चेहरा भी है। ऐसे में राज्य की महिला वोटर्स का भी समर्थन उन्हें मिल सकता है।
कुमारी शैलजा सोनिया गांधी की करीबी मानी जाती हैं और उनके पिता चौधरी दिलवीर सिंह भी हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष और केंद्र में मंत्री रह चुके हैं। लेकिन पार्टी उन्हें सीएम प्रोजेक्ट करती है तो जाहिर है हुड्डा गुट की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। शायद यही वजह है कि कांग्रेस आला कमान ने फिलहाल दोनों में से किसी एक गुट का ना तो समर्थन किया है, ना ही किसी एक चेहरे पर चुनाव लड़ने का संकेत दिया है। लोकसभा चुनाव से पहले भी हुड्डा और शैलजा ने अलग अलग यात्राएं निकाली थी। बावजूद इसके कांग्रेस इन दोनों नेताओं के बीच के विवाद को सुलझा नहीं पाई और फिर ये कहें कि पार्टी इस विवाद को सुलझाना ही नहीं चाहती। बहुत हद तक मुमकिन है कि कांग्रेस संयुक्त नेतृत्व में चुनावी मैदान में उतरे और सीएम पद को लेकर फैसला नतीजों पर छोड़ दिया जाए। लेकिन जिस तरीके से भूपेंद्र हुड्डा का वर्चस्व पार्टी में मजबूत दिखाई देता रहा है, और तो और आला कमान भी हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा की पैठ को बखूबी पहचानती है, तो ऐसे में दीपेंद्र हुड्डा का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। आपकी नजर में कांग्रेस की तरफ से सीएम चेहरा कौन होना चाहिए, शैलजा या दीपेंद्र हुड्डा? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आपकी क्या राय है वो भी लिख सकते हैं।